सबसे पहले एक बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता दें। मुजफ्फरनगर में बड़ा हादसा हो गया है। निर्माणाधीन दो मंजिला बिल्डिंग का लेंटर गिरने की वजह से 20 से ज्यादा मजदूर उसमें दब गए। रेस्क्यू कर 18 लोगों को निकाल लिया गया, जबकि दो की मौत हो चुकी है। वहीं बाकी दबे मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू जारी है। हादसे का सीएम योगी ने भी संज्ञान लिया और राहत बचाव कार्य के निर्देश दिए। सीएम के निर्देश पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें पहुंची, मजदूरों को निकाला जा रहा है। पूरा मामला जानसठ थाना क्षेत्र का है। तो देख सकते हैं, तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गई है। 18 लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया। छत यहां पर डाली जा रही थी, लेंटर डाला जा रहा था, जिसके चलते यह हादसा हुआ। एक युवक के अभी भी दबे होने की आशंका है। मुख्यमंत्री की तरफ से राहत बचाव कार्य के निर्देश दे दिए गए हैं। 18 लोगों को बाहर निकाला गया, दो लोगों की मौत की भी पुष्टि हो चुकी है। तो देख सकते हैं आप, अस्पताल में जिन्हें भर्ती कराया उनकी क्या हालत है। हमने इसकी चुनाई करी थी, उठा के उठाने के बाद में एक तरफ को डिसबैलेंस हो गई थी बिल्डिंग, वही मकान उठाने का काम करते थे। ऐसा हुआ था, एक तरफ को बिल्डिंग झुक गई थी, डिसबैलेंस हो गया था, इसी चक्कर से वो इस साइड में चली गई थी। दो मंजिल इमारत थी, पूरी बैठ गई साइड में, उसके अंदर 20 लोग काम कर रहे थे, सारे दब गए उसमें। उनको पास में रोड पे काम चल रहा था, जेसीबी चल रही थी, उन्होंने आके निकाला। प्रशासन से आए थे, पुलिस वाले आए थे, उसके सारे इस बिल्डिंग की जो ग्राउंड थी वो नीचे हो गई थी, और ये सब बाद में बगल जो सड़क ऊंची हो गई थी, तो उसने बिल्डिंग को ऊंची करने के लिए कुछ ठेकेदारों की मदद से जैक लगा करके बिल्डिंग को ऊंचा करने का प्रयास कर रहे थे। उस दौरान कुछ गड़बड़ी हुई, सही काम नहीं किया, जिसके कारण बिल्डिंग भरभरा के नीचे गिर गई। हम लोग सूचना जानकारी मिली, तत्काल पुलिस, SSP साहब, DM साहब, यहाँ जो लोकल जितनी इंजाम हो सकते हैं उसमें सारे लोग पहुँचे, सारे काम करना शुरू किया। हम लोग को जानकारी मिली, हम लोगों ने NDRF SDRF संपर्क किया, NDRF PDG से बात हुई, उन्होंने तत्काल अपनी टीम भेजी। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए विनेश पवार हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुजफ्फरनगर से। विनेश, कैसे ये हादसा हुआ, जरा विस्तार से बताइए, और अभी क्या ताजा अपडेट है हादसे को लेकर, क्योंकि कहा जा रहा है एक मजदूर अब भी दबा हुआ है मलबे के नीचे। देखिए, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को इस बात की जानकारी दे दूं कि मुजफ्फरनगर में जो हादसा हुआ था उसमें कुल 19 लोग थे जो कि इस पूरी बिल्डिंग में दबे थे, और सभी लोगों को निकाल लिया गया है, जिसमें से दो लोगों की मौत हो चुकी है। जो 17 लोग हैं वो अस्पताल में भर्ती है, उनका इलाज चल रहा है। इसके अलावा जो दो आरोपी हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, एक बिल्डिंग का मालिक था और दूसरा जो ठेकेदार यहाँ काम कर रहा था उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। यानी कि इस पूरे मामले को लेकर दो गिरफ्तार कर लिए गए हैं और 17 लोग अस्पताल में, जिनका इलाज चल रहा है, 17 लोग अस्पताल में भर्ती है, दो लोगों की मौत हो चुकी है। पूरा जो घटनाक्रम है मुजफ्फरनगर के जानसठ थाना क्षेत्र का है, जहाँ पर जो हाईवे है, नेशनल हाईवे बन रहा था, जो पानीपत खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो बन रहा था, और उसी के समीप में ये दुकानों की पूरी मार्केट थी, दो मंजिला मार्केट थी। उसी में हाईवे बनने की वजह से बराबर में मकान या दुकान, जितने भी आसपास के मकान है, वो सब गहराई में आ गए थे, और उसी को उठाने के लिए काम चल रहा था। पिछली 10 तारीख से कार्य चल रहा था, जो उसका लेंटर था उसको उठाने का कार्य चल रहा था, उसमें जैक लगा करके पूरे मजदूर काम कर रहे थे। मगर हाईवे, बताया ये जा रहा है कि हाईवे पर जो काम चल रहा था वहां पर जो प्रेस करने के लिए उसको मशीनें लगी हुई थी, उनकी वाइब्रेशन से जो जैक है वो हट गए, और हटने के बाद पूरी बिल्डिंग धराशायी हो गई, और उसमें जो मजदूर काम कर रहे थे वो सभी मजदूर उसमें दब गए। देर रात तक पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चला, अभी तक पूरा जितना राहत और बचाव कार्य था वो पूरा कर लिया गया है, और उसमें अभी तक जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर ने जो जानकारी दिया उसमें 19 लोग दबे थे, उन्हीं सभी 19 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, जिसमें से 17 लोग का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि दो लोगों की मौत हो गई, और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने दो आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका, विनेश पवार। आगे बढ़ते हैं, मुजफ्फरनगर में बिल्डिंग हादसे को लेकर रेस्क्यू अब भी जारी है, जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया, और घटनास्थल पर जाकर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने भी हालात का जायजा लिया। भाकियो नेता राकेश टिकैत भी साथ में घटनास्थल पर मौजूद रहे। हम गए हॉस्पिटल में,
और अपने सब लोग गए कि ब्लड की कोई दिक्कत ना हो, लेकिन अभी हॉस्पिटल में ब्लड अवेलेबल है और हमने उनको कहा कि अगर रात को भी जरूरत पड़ेगी तो जब भी जरूरत पड़ेगी आप बता देना, इस शहर में ब्लड की कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे प्रशासन और वो सब लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं और जनता का भी बड़ा सहयोग यहाँ पे है। परिवार वालों से आपकी बात? अभी हमारी कुछ नहीं हुई। कितने लोग? अभी ये तो प्रशासन बता पाएगा, हमें ज्यादा नहीं पता इसके बारे में। स्थानीय लोगों की एकदम से आने की वजह से हजारों लोग आए, हम कई जान बचाने में सफल रहे, फिर भी दो व्यक्तियों की मौत हुई है। करीब शायद 14 के करीब अभी हॉस्पिटल में है, लेकिन वो ठीक हैं। अभी एक के दबे होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, लेकिन NDRF की टीम पहुंची हुई है, स्थानीय लोग बड़ी संख्या में, जो संभव प्रयास सबके द्वारा वो किए जा रहे हैं, प्रशासन के द्वारा, स्थानीय लोगों के द्वारा। मिशन 400 पार को साकार करने में जुटी बीजेपी ने कल अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और घोषणा पत्र जारी होने के बाद अब विपक्ष को घेरने की तैयारी है। बीजेपी के सांसद, विधायक, मंत्री समेत अन्य बड़े नेता सभी आज 75 जिलों में कार्यक्रम करेंगे, बीजेपी के घोषणा पत्र के बारे में बताएंगे और पिछले 10 सालों में हुए कामकाज का लेखा जोखा भी पेश करेंगे। इसी कड़ी में सीएम योगी बीजेपी दफ्तर लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, पार्टी के घोषणा पत्र की जानकारी देंगे और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मेरठ में मौजूद रहेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मुरादाबाद में रहेंगे तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कानपुर में संकल्प पत्र की जानकारी लोगों को देंगे। बीजेपी ने 400 पार के आंकड़े को छूने के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया। यूपी बीजेपी के नेताओं ने इसे पीएम मोदी के विजन को अपना मिशन बताया। वहीं विपक्ष को बीजेपी के संकल्प पत्र में कुछ खास नहीं दिखाई दिया। कांग्रेस और SP ने बीजेपी के संकल्प पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया। दो 2024 की लड़ाई अब मैनिफेस्टो पर आ गई है। बीजेपी ने 400 पार के नारे को पूरा करने के लिए जनता के सामने अपना संकल्प पत्र रख दिया है। बीजेपी ने इस संकल्प पत्र को मोदी की गारंटी बताया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि संकल्प पत्र में समुद्र से ज्यादा गहराई है जो आम जनता के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। 2014 से लेकर अब तक जितने चुनाव हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने अपने वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी की है, ये इस बात का प्रमाण है कि मोदी जी की गारंटी काम कर रही है। दूसरी तरफ विपक्ष पूरी तरह से डिरेल्ड है, फेल है। 2004 से लेकर 14 तक जब उन्हें सरकार बनाने का अवसर मिला था, इन्हीं इंडी गठबंधन के लोगों की सरकार थी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी हुई थी, देश प्रसातल की तरफ जा रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो रहा था। आज वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर माननीय मोदी जी ने देश को देने के सामने काम किया है। गरीब हो, चाहे वह पिछड़ा हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो आदिवासी हो, यानी सबका साथ सबका विकास का जो एक अस्पष्ट स्वरूप इस संकल्प पत्र के माध्यम से देश के सामने रखा गया है, मैं उसके बारे में इतना ही कहता हूँ। समुद्र की तरह गहरा है जिसकी गहराई नापी नहीं जा सकती है, आकाश से भी अधिक ऊंचा है जिसकी ऊंचाई नापी नहीं जा सकती है। बीजेपी के मैनिफेस्टो में सभी वर्गों का ध्यान रखने का दावा किया गया है। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में 2047 का विजन रखा है। बीजेपी का दावा है कि 2047 तक देश विकसित हो जाएगा। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में महिला, युवा, गरीब, किसान, वरिष्ठ नागरिक और मिडिल क्लास को ध्यान में रखकर जारी करने का दावा किया है। वहीं विपक्ष को बीजेपी का संकल्प पत्र झूठ का पुलिंदा लग रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इसमें कुछ नहीं है, बीजेपी ने 10 साल में कोई काम नहीं किया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने इसे जुमला पत्र बताया है। किसानों की आमदनी डबल करूंगा ये उन्होंने कहा था, वही गारंटी, और MSP मैं बढ़ाऊंगा और MSP को मैं लीगल स्टेटस देऊंगा, ये कहा था, यही उसकी गारंटी। और अपने कार्यकाल में उन्होंने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया जो सारे देश के जनता को, युवाओं को, किसानों को उससे लाभ हो।
भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी घोषणा पत्र को भले ही संकल्प पत्र का नाम दे, लेकिन जनता उसको जुमला पत्र ही समझ रही है, क्योंकि 2014 में किए गए वादे या 2019 में किए गए वादों का क्या, वो सारे घोषणा पत्र तो इनके डस्टबिन में डाल दिए गए। एक भी बातें जो जन सरोकार से जुड़ी हुई हों, चाहे वो महंगाई की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, 2 करोड़ रोजगार की बात हो, किसानों की आय दोगुनी करने की बात हो, काला धन लाने की बात हो, लोगों के खाते में 15 लाख रुपए डालने की बात हो, इसको माननीय अमित शाह जी ने कही दिया कि एक जुमला था, तो इन सारी बातों का जो जिक्र किया गया था घोषणा पत्र में, वो सारी बातें फर्जी साबित हुई। 2024 के लिए बीजेपी और कांग्रेस के मैनिफेस्टो की तुलना करें तो रोजगार को लेकर दोनों ने जो दावे किए हैं उसमें बीजेपी ने पेपर लीक पर कानून सख्त करने का दावा किया है, जबकि कांग्रेस फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करने की बात कही है। बीजेपी ने सरकारी भर्ती पारदर्शी और समयबद्ध कराने का ऐलान किया है, जबकि कांग्रेस ने ग्रेजुएट छात्रों को ट्रेनिंग देने की बात कही है। बीजेपी ने Tier 2, Tier 3 शहरों में स्टार्टअप को विस्तार करने का दावा किया है, जबकि कांग्रेस ने स्टार्टअप पर फंड देने का दावा किया है। बीजेपी ने युवाओं के कौशल विकास पर फोकस करने की बात कही है, जबकि कांग्रेस ने अधिकार कानून लाने की बात कही है। बीजेपी ने इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर रोजगार बढ़ाने पर फोकस करने का दावा किया है, जबकि कांग्रेस ने सरकारी पदों और परीक्षाओं में आवेदन शुल्क समाप्त करने का वादा किया है। फिलहाल जनता सभी दलों के विजन डॉक्यूमेंट को देख रही है। अब 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान शुरू होने हैं। अब देखना है कि किसके विजन को जनता पसंद करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, टाटा टी प्रीमियम देश की चाय करता है। देश के हर एक वोटर से अपील, इस बार देश के साथ नो कॉम्प्रोमाइज, इस बार चुनाव में वोट जरूर करें।